तो आज मैं फैक्ट्स बताने वाला हूँ। बाऊजी को एक बुक पढ़ते दिखाया गया है जो कि सुरेंद्र मोहन पाठक के द्वारा लिखी गई थी। इस शो के क्रिएटर पुनीत कृष्णा मिस्टर पाठक के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उन्होंने इस सीन से उन्हें रेस्पेक्ट दी और इस सीन की वजह से उन्हें कंट्रोवर्सी भी झेलनी पड़ी। असल में इस सीन में जो बुक पढ़ते वक्त वॉइस ओवर था उसके बारे में मिस्टर पाठक का कहना था कि असल बुक से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है और यह राइटर की भावनाओं को हर्ट करता है। बाद में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने राइटर से माफ़ी मांगी और बाद में उस सीन को सीरीज से निकाल दिया गया। गुड्डू पंडित जी मुन्ना को मारने की कोशिश करने के सपने के साथ उठता है, ठीक उसी तरह जैसे मुन्ना अपने सपने से उठता है गुड्डू पंडित को मारने की कोशिश करते हुए। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जो रिसेप्शनिस्ट थी उनका रोल प्रोडक्शन मैनेजर रमा कांत पाल ने प्ले किया था। श्वेता त्रिपाठी को पहले गन चलाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन सीरीज के इस सीजन में वह गन चलाने में काफ़ी एक्सपर्ट लग रही थी। इसके लिए उन्होंने हफ्ते में 3 दिन और 1 दिन में 5 घंटे स्टंट कोऑर्डिनेटर मनोहर वर्मा की मदद से शूटिंग से 1 महीने पहले प्रैक्टिस की थी। अली फजल ने भी हफ्तों पहले ही लंगड़ा के चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी और वो तो कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि शूटिंग ब्रेक्स में भी वो लंगड़ा के ही चलते थे। जिस स्टोर से गोलू डिम्पी ने चोरी की थी उस स्टोर का नाम था रूपाली केमिस्ट एंड जनरल स्टोर। यह स्टोर का नाम सीरीज के कोप्रोड्यूसर रूपाली वैद्या के नाम पर रखा गया है और मिस्टर मौर्य को जो वेनिला आइसक्रीम पसंद है उसका ब्रांड नेम है गोगो आइसक्रीम, जिसका नाम प्रोडक्शन टीम डिजाइनर की बिल्ली पर रखा गया है। एक इंटरव्यू में दिव्यंदु शर्मा का मुन्ना भैया ने बताया कि चाचा जो कि पहले सीजन के लास्ट एपिसोड में थे वह स्क्रिप्ट के अनुसार उसी रात पहले ही सीजन में मरने वाले थे, लेकिन चाचा ही कैरेक्टर एंड हुआ सीजन 2 में। इसका रीज़न दिव्यंदु ने बताया कि असल में चाचा जिनका कैरेक्टर निभाया हेमंत कपड़िया ने उस दिन अपनी पर्सनल शेरवानी पहने हुए थे और वो शेरवानी पर कोई भी खून का दाग नहीं चाहते थे, इसलिए उनका कैरेक्टर मिर्जापुर CN1 में नहीं मरा। मिर्जापुर के सीजन 2 के ओरिजिनल रिलीज डेट 1 अक्टूबर 2020 थी, पर इंटरनेट पर रिलीज से एक दिन पहले 22 अक्टूबर 2020 को मिर्जापुर का सीजन 2 पूरा लीक हो गया, तो अमेजन प्राइम को यह पूरा सीजन रिलीज डेट से एक दिन पहले रिलीज करना पड़ा। लीक होने की वजह से अमेजन प्राइम को मिर्जापुर के सारे एपिसोड्स एक बार में ही रिलीज़ करने पड़े, लेकिन अगर हम अमेजन प्राइम की हिस्ट्री देखें तो वह एक हफ्ते में एक एपिसोड रिलीज़ करना ही पसंद करते हैं। ऐसा ही उन्होंने मिर्जापुर सीजन 1 के साथ किया था और ऐसा ही उन्होंने द बॉयज सीरीज के साथ किया था। और जी एक सीन में ऋतिक की जोधा अकबर का एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे मुगल्स ने अपने पास पावर रखने के लिए राजपूत से रिश्ता जोड़ा था। यह एक रेफरेंस था 2008 में आई मूवी जोधा अकबर का। इस मूवी में बाऊजी मतलब खुरभूषण खरवंडा ने राजा भरमल यानी कि जोधा भाई के पिता का रोल प्ले किया था।